अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी ओरियन मॉल की वेबसाइट पर जब भी कोई कस्टमर ऑर्डर करता है तो हमें कैसे पता चलेगा, हम उस ऑर्डर को कैसे डिलीवर और शिप कर सकते हैं और कंपनी से हमारी अमाउंट रिटर्न हमारे अकाउंट में कैसे आएगी। इसके लिए सबसे पहले आप ओरियन मॉल की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करें। लॉगिन के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और पासवर्ड पुट करें और लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास अपने वेंडर अकाउंट के लिए ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। उसके बाद आपको इस तरह से विंडो शो हो रही है, लेफ्ट साइड पर अप थ्री लाइंस पर आप क्लिक करें तो आपको एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। इस मेन्यू में आप सेल्स के बटन पर क्लिक करें और इसके बाद ऑर्डर्स के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सभी ऑर्डर्स आपको शो हो जाएंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपके सभी ऑर्डर्स यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। जितने भी पेड ऑर्डर्स हैं वो शो हो रहे हैं कि कस्टमर पेमेंट कर चुके हैं और इन्हीं को आप डिलीवर करेंगे। अगर कोई पेंडिंग ऑर्डर होगा तो उसको आप डिलीवर नहीं करेंगे। तो डिलीवर करने के लिए अब मेरा फर्स्ट वन जो ऑर्डर है उसको पेड है और वो ही डिलीवर करने वाला रहता है। मैं इसके एडिट बटन पर क्लिक करूँगी और यहाँ पर मुझे सारी कस्टमर इन्फॉर्मेशन, बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस, कस्टमर ने जो भी यहाँ पर पुट किया होगा कि कहाँ पर हमें पार्सल डिलीवर करना है, ये सब डिटेल यहाँ शो हो जाएंगे। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। नीचे बिलिंग एंड शिपिंग एड्रेस शो हो रहा है कि किस एड्रेस पर मुझे शिप करना है। पूरा एड्रेस यहाँ पर देखिए विद डिटेल शो हो रहा है। अगर मुझे एड्रेस नहीं समझ आ रहा तो मैं उसको गूगल मैप पर व्यू भी कर सकती हूँ। एड्रेस को ब्लू कलर से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर, इसे क्लिक करेंगे और नीचे जो है मुझे उनके प्रोडक्ट शो हो रही हैं कि उन्होंने ऑर्डर क्या किया है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये इनका मुझे शो हो रहा है कि ये ड्रेस ऑर्डर किया गया और उन्होंने इतनी पेमेंट कर चुकी है। ऑर्डर की पेमेंट हो चुकी है, अब उसको हम शिप करेंगे। इसके लिए हम ऐड शिपमेंट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रैकिंग नंबर ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू एडिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रिंट पैकेजिंग स्लिप पर क्लिक करेंगे। हमारे पास पैक पर, हमारे बॉक्स पर लगाने के लिए स्लिप हमें मिल जाएगी। इसको हम प्रिंट करके अप्लाई कर सकते हैं और इसको सेट एज शिफ्ट कर देंगे और ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा। इससे कंपनी को पता चल जाएगा कि आपने पार्सल डिस्पैच कर दिया है। आपका पार्सल डिलीवर हो चुके तो आपने सेल्स पर क्लिक करना और फिर शिपमेंट्स पर क्लिक करने के बाद आपने सेट एज शिफ्ट पर क्लिक करना है ताकि कंपनी को इन्फॉर्म किया जा सके कि आपका पार्सल डिलीवर हो चुका है और आपकी अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर दी जाए। तो नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और उसी ऑर्डर को हम ऑर्डर नंबर 8937 को चेक करेंगे। व्यू पर क्लिक करें यहाँ पर और इसको सेट एज डिलीवर्ड कर देंगे हम। जैसे ही आप इसको सेट एज डिलीवर करेंगे ये इस तरह से आपको शो हो जाएगा और इसके बाद बैक टू ऑर्डर डिटेल्स पर क्लिक करें। यहाँ से आपको इनवॉइस पीडीएफ शो हो जाएगा। इनवॉइस को डाउनलोड कर लीजिए आप, ये आपकी फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगी और ये इस तरह से आपको शो होगी। ये इनवॉइस आपको मिल जाएगी, यही इनवॉइस आपके कस्टमर को भी मेल के थ्रू शेयर की जाती है। अब आपको ये चाहिए अपनी अमाउंट को बैक रिटर्न लेने के लिए, साथ में आपको ये स्लिप चाहिए जो आपने डिलीवर की थी। इन दोनों चीज़ों को आपने मेल पर और व्हाट्सएप के इस नंबर पर वेरीफाई करवाना है। वेरिफिकेशन आपने किस तरह से करवानी है उसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये देखें, मैं अपने बहुत सारे पार्सल डिलीवर करके उनके बैक अमाउंट भी कंपनी से रिसीव कर चुकी हूँ। आपने जो पीडीएफ फाइल डाउनलोड की है वो और साथ में अपनी स्लिप, ठीक है, डिलीवरी स्लिप आप अटैच करेंगे, कंपनी को व्हाट्सएप भी करेंगे और मेल भी करेंगे और कंपनी आपको बैक अमाउंट रिटर्न करेगी। आप देख सकते हैं मैं बहुत सारी अमाउंट ले चुकी। आई होप सो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।